ये पीछे का जो नंबर प्लेट का अपर बेजल है ये भाई S11 क्लासिक का डल चुका है। एक एक पैसे आपको एक एक प्राइसिंग के साथ आपको वीडियो के एंड में दिखने वाले हैं, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे कि भाई अगर आपको अपनी गाड़ी कन्वर्ट करानी है ऐसे, या इनमें से कुछ सामान हटवा के कन्वर्ट करानी है, तो आप कैसे और कितने की करवा सकते हैं। आगे ये पानी भी चल रहा है भाई, चेक कर लो, ये बड़ा आजकल ट्रेंड है दिखाने का कि भाई पीछे पानी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। ये क्लैडिंग इसकी इंस्टॉल हुई है क्लासिक वाली, ठीक है। तो भाई ये जो आप इसके अंदर मीटर देख रहे हो भाई, ये S11 का लग चुका है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। आप एक बार डैशबोर्ड की लुक देख लो, ये जो असेंबली होती है ये भी हमने चेंज करी है, यहाँ से वाइपर चलाने के लिए और यहाँ से हेडलाइट्स की पार्किंग लाइट जलाने के लिए पूरी असेंबली इसकी चेंज करी गई है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई आप कह रहे थे यार वरना ही वरना दिखा रहे हो, स्कॉर्पियो कहाँ गई, स्कॉर्पियो उसका क्या हुआ, क्या है क्या नहीं। तो भाई स्कॉर्पियो से काम दूर हो सकते हैं, तो स्कॉर्पियो एक और आपके सामने खड़ी है रेडी होके। S3 वेरियंट जो की बेस वेरियंट होता है स्कॉर्पियो का, और ये स्कॉर्पियो है ऑलरेडी 2019 मॉडल, और ये थी S3 वेरियंट जो की बेस वेरियंट होता है स्कॉर्पियो का। तो भाई इसको हमने कन्वर्ट करा है बाहर से और अंदर से प्रॉपरली S11 क्लासिक में। और S11 क्लासिक में करने के लिए क्या क्या कर रहा है आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो आप हेडलाइट्स देख रहे हो, ये कस्टमर पहले से ही नई डलवा के आए हुए थे, इनकी पहली S11 की लाइट्स थी, इसके कनेक्शन वगैरह करने थे वो करें। जो आप ये फ्रंट की ग्रिल देख रहे हो, ये पूरा फेशिया देख रहे हो, इसके अंदर जितने भी है, जैसे बम्पर हो गया और इसके अंदर इवन ब्रैकेट हो गए, DRL, यहाँ का बेजल, फॉग लैंप और ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी ब्रांड न्यू महिंद्रा जेन्युइन डली है क्लासिक की। और A to Z जितनी भी आपको इस गाड़ी के अंदर चीजें दिखाने वाला हूँ, वो प्रॉपर क्लासिक। आज अगर आप शोरूम के अंदर एंटर करते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी महिंद्रा शोरूम में आप जाओगे, तो आपको यही स्कॉर्पियो सेम खड़ी दिखेगी। तो इसको हमने पूरी तरीके से रिस्टोर भी करा है, थोड़ा सा इसमें पेंट जॉब थी, इसके अंदर डेंट वर्क था, पर्ल व्हाइट में ये गाड़ी पेंट करी है, छत समेत पूरी गाड़ी पेंट हुई है। और छोटे मोटे काम हमने इसके अंदर और क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट से शुरुआत करते हैं, तो भाई सारा सामान इसमें फ्रंट पे क्लासिक का डल चुका है। क्लासिक का डलने के लिए इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है मैं आपको बताता हूँ। हेडलाइट S11 की रहती, क्योंकि हेडलाइट चेंज कराने को तुक लग नहीं रहा था, ऑलरेडी ब्रांड न्यू हेडलाइट्स इसके अंदर S11 की इंस्टॉल्ड थी, इसलिए। बात करते हैं इसकी ग्रिल की, तो ये क्लासिक की ओरिजिनल ग्रिल है, महिंद्रा जेन्युइन, महिंद्रा जेन्युइन ही इसका अगला बम्पर है, महिंद्रा जेन्युइन ही DRL है और फॉग लैंप है, यहाँ का बेजल है। उसके बाद भाई ये सिर्फ बम्पर इतने पे खत्म नहीं होता, ये जो नीचे की आप क्लैडिंग देख रहे हो, ये क्लैडिंग भी इसके अंदर इंस्टॉल हुई है और ये ग्रिल भी इंस्टॉल हुई है। इवन एक छोटी सी चीज जो की मेजर रोल प्ले करती है वो है ये छोटा सा टोचन कैप, तो ये टोचन कैप तक हमने इसके अंदर महिंद्रा जेन्युइन ही इंस्टॉल किया है। और आगे से अगर आप पूरी गाड़ी की लुक देख रहे होगे, तो आपको भाई प्रॉपर कहीं से भी लगने नहीं वाली कि ये क्लासिक है। और बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि भाई आप लाइटिंग क्यों नहीं डालते, तो वो वाली शिकायत इसमें पूरी हो चुकी है, क्योंकि इसमें कस्टमर का बजट अच्छा खासा था। तो भाई शुरुआत थोड़ी साइड से करते हैं, ये जो आप प्रीमियम साइड देख रहे हो इसकी, इसमें क्या कुछ महंगा महंगा काम किया गया मैं बता देता हूँ। जो एक S3 होती है और S वेरियंट मतलब टॉप के जो वेरियंट होते हैं उसको अगर बेस में ले आओ, तो भाई आपका इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है। और अगर आज आप जाओगे शोरूम में गाड़ी खरीदने S11 क्लासिक, तो उसमें भी इंडिकेटर यहाँ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले गाड़ी S11 आती थी 22 लाख रुपए की, अब आ रही है 18 लाख रुपए की, उसमें करिए कॉस्ट कटिंग। तो भाई हमने तो करनी नहीं थी इसमें कॉस्ट कटिंग, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कस्टमर पैसा लगा रहे थे। तो भाई यहाँ पे S11 पहले वाले जो बेजल आते थे बंद इंडिकेटर वाले वो लगाए हैं, और यहाँ का इंडिकेटर लगता तो यहीं पे स्लीक है, तो भाई ये इंडिकेटर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया और साइड मिरर ही चेंज करे हैं। खैर इसके अंदर जो डंडी से चलने वाले साइड मिरर थे वो थे, इंडिकेटर पहले से इंस्टॉल्ड थे लेकिन हमने इसके साइड मिरर चेंज कर दिए, अब ये अंदर से कंट्रोल्ड है। और एक बहुत अच्छी चीज इसके अंदर करी है जो कि कस्टमर की खुद की चॉइस थी, थार के ओरिजिनल नए अलॉय टायर का सेट डल चुका है, सेट ऑफ 4 इसके अंदर। तो भाई लाइफ बढ़ चुकी है गाड़ी, वैसे भी 37,000 ही चली थी ये गाड़ी, लेकिन इससे भाई और एनहांस हो जाएगी। और थोड़ा पास आ जाओ कैमरा लेके भाई साहब, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई ये क्लैडिंग इसकी इंस्टॉल हुई है क्लासिक वाली, ठीक है, ओरिजिनल महिंद्रा की S11 क्लासिक की क्लैडिंग है ये। इसके बाद इसके अंदर और क्या किया गया, थोड़ा सा स्लीक क्रोम इसके अंदर डाला गया, जैसे कि ये हैंडल, ताकि ओवर भी ना लगे। और ये अगर आपको क्रोम दिख रहा है ना जितना भी, ये सारा क्रोम ओरिजिनल गैलियो का है, ये इसके अंदर एडअप हुआ है। साइड में ये जो आप बिडिंग देख रहे हो, ये ब्रांड न्यू इसके अंदर इंस्टॉल हुई है, अंदर की और बाहर की दोनों ये सेट है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम आ गया, और आपको पता है कि यूपी से कोई गाड़ी आएगी तो उसमें थोड़ा सा टच क्रोम का रहेगा ही। और बता दूं कि ये जो क्रोम है ये भैया खुद जाकर लेके आए हैं, अलॉय टायर भी खुद जाकर लेके आए हैं, तो भाई इन्होंने बड़ी मेहनत करी है गाड़ी बनाने के लिए, इसका बहुत सारा सामान वो खुद जाकर लेके आए हैं। और आते हैं इसकी रियर साइड पे, और आपको कुछ चलकर दिखाता हूँ इसके बारे में बहुत यूनिक की पीछे क्या क्या किया गया। तो भाई अब लाइट हमें यहाँ से पड़ेगी, और भाई पीछे की एक बार डिग्गी बंद कर देता हूँ। इसके भाई रियर साइड पे आ गए हैं, और रियर साइड में भाई सारा कुछ चेंज हो चुका है, क्या क्या मेजर चेंज हुआ है और बहुत प्रैक्टिकली चेंज हुआ है। आप देख रहे होंगे ये रियर बम्पर, ये S3 के अंदर ऑलरेडी आता है 19 मॉडल के अंदर, ये रिफ्लेक्टर लाइट्स इसके अंदर डल चुकी हैं। फिर इसके अंदर भाई ये डी पिलर जो आप देख रहे हो, ये डी पिलर इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं, मैट्रिक्स स्कैनिंग वाले हैं, मैट्रिक्स डी पिलर लाइट इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। एक बार जलवा के दिखा देता हूँ ये सारी चीजें। तो भाई ये है कुछ लुक इसकी रियर से, और ये गार्ड जो देख रहे हो भाई ये कस्टमर खुद जाकर ले गए हैं, इसमें ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज है जो वो खुद अपनी चॉइस से ले गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया।
और अगर आप देखोगे ये पीछे का जो नंबर प्लेट का अपर बेजल है ये भाई S11 क्लासिक का डल चुका है। इसके बाद यहाँ रियर वाइपर वर्किंग विद पानी पड़ता हुआ आएगा, ठीक है। ये ब्रेक दबाने पे लाइट, एक बार दबा के रखना ब्रेक। ये भाई मैट्रिक्स लाइट है, इसलिए बोलते हैं इसे डी पिलर की। इससे पूरी गाड़ी भरी भरी लगती है रियर से। अब भाई बात करते हैं ये ब्रेक लाइट की। अब ये स्पॉइलर जो था इसमें S11 का लगाना था लेकिन अभी अवेलेबिलिटी के चक्कर में लगाया नहीं। यहाँ अंदर लाइट इंस्टॉल हो चुकी है लेकिन ये एमओ का ओरिजिनल इसमें स्पॉइलर हमने लगाया। और भाई पिछला वाइपर चलाना हो तो भाई ये पिछला इसका वाइपर है वर्किंग। आगे ये पानी भी चल रहा है भाई, चेक कर लो। ये बड़ा आजकल ट्रेंड है दिखाने का कि भाई पीछे पानी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो भाई ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद भाई बात करते हैं और हमने इसके अंदर क्या करा है। तो भाई ये टेल लाइट जो आप देख रहे हो इसके अंदर ऑलरेडी थी, इसमें भाई हमने यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया पूरी गाड़ी के अंदर ना बहुत कम जगह पे लेकिन बहुत स्मार्टली क्रोम इंस्टॉल किया गया ताकि गाड़ी ओवर ना लगे। और इसके अंदर हमने क्या काम किया जो कि बेस टू टॉप मॉडल करने वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, ना कि वो करते हैं भाई। इस गाड़ी की प्रॉपर सर्विस वगैरह हुई है और इसके अंदर एक मेजर काम हुआ है सस्पेंशन का। तो भाई सस्पेंशन इसके अंदर महिंद्रा जेन्युइन सारी सस्पेंशन ब्रांड न्यू लगी है इसके अंदर, जिसके अंदर आ जाते हैं भाई शॉकर, सस्पेंशन की सारी बुशकिट, प्लस जितने चिमटे की गोलियां होती है वाइपर, ये आर्म की गोलियां होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। लिंक रॉड वगैरह प्रॉपर तरीके से स्टीयरिंग के एंड प्रॉपर सस्पेंशन इस गाड़ी की नई हो चुकी है, काम मांग रही थी कर दिया गया है। और भाई अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इंटीरियर में हमने ऐसा क्या किया जो आपको फैसिनेट करेगा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इस गाड़ी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा या आपकी गाड़ी को जरूर ऐसा टचअप मांगना पड़ेगा इसको देखने के बाद। आओ इंटीरियर में चलते हैं। तो भाई अब मैंने ऑन करा दिया एक बार फोन की फ्लैश, क्योंकि फ्लैश की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। भाई पहले रियर आपको यहाँ से दिखाता हूँ आज। तो भाई ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे भाई ये जो सेंटर में सीट्स आती है ये मैंने पीछे कर दी गई है, तो आपको पता है कि हमारा सिग्नेचर है, अगर कोई हमारे से इंस्टॉल कराता तो हम ये काम करते हैं। इसकी जो सेंटर में सीट थी वो आ चुकी है पीछे और आगे चार कैप्टन इंस्टॉल करी है हमने, चार कैप्टन सीट इसके अंदर। क्या करा कैसे करा अभी आपको दिखाएंगे, तसल्ली करो। अब ये जो रियर आप देख रहे हो ये मैं आपको बताता हूँ हर बार कि भाई सेंटर वाली सीट पीछे आ जाती है तो ये सीट पूरी ऑपरेशन बन जाती है, उसके बाद आप यहाँ पे सामान भी रख सकते हो। तो भाई वही काम इसके अंदर हुआ है, यहाँ पे सारा सामान रखा गया और बकेट सीट कवर इस गाड़ी के अंदर बने हैं। नीचे फ्लोरिंग अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पूरी फ्लोरिंग करी गई है भाई, ठीक है। फ्लोरिंग हो जाने के बाद भाई पूरी गाड़ी सेक्सी बन चुकी है इंटीरियर से। मेजर एक चीज हमने अंदर क्या करी है वो आपको चलकर दिखाता हूँ, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन अभी वहाँ चलने के बात समझ में आएगा। आओ चलते हैं। तो भाई ये देख लो आप एक बार, कैप्टन सीट्स इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं और एक नहीं और सॉरी लाइट की कमी, अब दिन हो गया। तो भाई गलती कर दी फोन ऑन करके, फोन की फ्लैश ऑन करके। भाई अब देख लो दिन हो चुका है गाड़ी के अंदर। कॉम्बिनेशन में एक बार आप इसका स्विच, ये पूरा एक बार स्टेयरिंग देख लो, ये स्टेयरिंग जो आप इसका देख रहे हो इसके अंदर भाई वो वाला स्टेयरिंग आता है जिसके अंदर ये लग नहीं सकते। इसका स्टेयरिंग व्हील पूरा चेंज हुआ है और ये स्टेयरिंग कंट्रोल इसके अंदर एड हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे नया लोगो एयरबैग आ गया, ठीक है, नया लोगो यहाँ भी इंस्टॉल कर दिया हमने। और स्टेयरिंग डुअल टोन में हमने इसका कंपनी स्टिचिंग में कराया, एक बार चेकआउट करके बताओ कि आपको लग कैसा रहा है। प्लस अगर आप इंटीरियर पे गौर डालोगे तो भाई इंटीरियर जो है ना इसका, ये देखो ध्यान से, ये सारे के सारे पैनल्स, डैशबोर्ड, ये सेंटर का कंसोल, ये सारा हमने भाई पेंट किया है क्लासिक के पेंट में ओरिजिनल, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने क्रेटा वाला ओरिजिनल सनग्लास होल्डर इंस्टॉल किया है विद दो लाइटों के साथ, 100 वाट की लाइटें हैं। और ये देखो कितना परफेक्ट वर्किंग है भाई इसकी, ठीक है। और ये क्रेटा का है, स्कॉर्पियो का नहीं लगाया क्योंकि स्कॉर्पियो का थोड़ा सा हल्का लगता है लेकिन इसकी प्रीमियम क्वालिटी नेक्स्ट लेवल लगती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। प्लस अब आपसे बात करते हैं भाई सेंटर ये गियर बूट की। गियर बूट में जो आप ये कपड़ा देख रहे हो ये भाई इन्हीं सीटों से मैच होता हुआ लगा है, ये कॉम्बिनेशन में पूरे इंटीरियर हमने करा है। इंटीरियर के अंदर भाई रियर आप देख रहे हो ये पूरा ब्लैक है और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसकी फिनिशिंग ये सारी की सारी भाई ओरिजिनल नापा लेदर में हुई है। और आगे दो कैप्टन सीट आ गई, और कैप्टन सीट कहाँ है एक बार मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, आप यहीं से दिखाना। तो भाई एक चीज जो हमारे यहाँ की बन चुकी है सिग्नेचर वो है ये। तो भाई पीछे भी हमें पूरा कम्फर्ट मिलने को तैयार है और ये देखो भाई प्रॉपर तरीके से हमारी सीट इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ भी मैं अगर बैठूंगा तो बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल हूँ, अगर आप यहाँ मेरा नी सपोर्ट देखो तो बहुत गैप है बहुत ज्यादा। और इसको मैं जितना चाहूंगा उतना आगे कर सकता हूँ, ये देखो इसको आगे पीछे कर सकता हूँ जितना मर्जी मैं चाहूंगा, इसको इनक्लाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो भाई आप बताना कमेंट करके कि आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। अब एक और चीज जो इसको S11 बनने से रोकती थी उसको भी हमने कर दिया, वो है मैं एक बार कैमरा पकड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो गाइस इसका डैशबोर्ड आपको कैसा लग रहा है। तो भाई ये जो आप इसके अंदर मीटर देख रहे हो भाई ये S11 का लग चुका है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भाई प्रॉपर तरीके से आप एक बार डैशबोर्ड की लुक देख लो, इंटीरियर की लुक देख लो, पीछे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लो भाई मेरे को कैसी लग रही है, और यहाँ पे देख लो भाई, ठीक है, ये आपको पूरी सूट कर रही है। इसके बाद भाई यहाँ पे एक छोटी सी चीज आ जाती है, वो है भाई साइड मिरर कंट्रोल, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। भाई चल रहे हैं नहीं चल रहे एक बार दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। तो भाई ये है साइड मिरर कंट्रोल, एक बार मैं आपको यहाँ से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये देखो नीचे, ये ऊपर,
लेफ्ट राइट, तो भाई परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गए हैं, और भाई जिसको चाहिए कि भाई गाड़ी की चाबी चेंज हो जाए, तो लॉक सेट भी इसका चेंज हुआ है, प्लस इसमें इंस्टॉल हो चुकी है महिंद्रा की S11 की। अब ये बता देना भाई कैसी लग रही है, और सेंटर लॉकिंग भी इसके अंदर डाली हमने, ये देखो, ठीक है भाई वर्किंग है। और यहाँ से हम इसको लगाते हैं और मीटर की एक बार लाइट देखते हैं, तो भाई ये देखो, ठीक है भाई ये सारे काम हमने इसके अंदर करे हैं। अभी गाड़ी की थोड़ी सी सफाई होगी, और भाई इसकी ये जो असेंबली होती है ये भी हमने चेंज करी है, यहाँ से वाइपर चलाने के लिए और यहाँ से हेडलाइट्स की पार्किंग लाइट जलाने के लिए पूरी असेंबली इसकी चेंज करी गई है, और सारे गत्ते इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं प्रॉपर तरीके से, जो वायरिंग थी वो करी गई है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्विच आ जाते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं, और यहाँ पे इसकी जो ये बिडिंग होती है ये हमने नई इंस्टॉल करी है भाई, ठीक है, ये इंस्टॉल होती है, और ऐसे कम्प्लीट होता है भाई इसका इंटीरियर। अब एक बार आप सारे कमेंट करके बता देना भाई आपको गाड़ी लग कैसी रही है, और एक बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई गाड़ी का क्या रिव्यू, कस्टमर को गाड़ी कैसी लग रही है। भैया ये है हमारे अनुज भैया, ये गाड़ी हमारे पास आई है कानपुर से। कैसे हो भैया? बस बढ़िया। ये लो पहले चाबी पकड़ो आप, ये चाबी आपके हाथों में आने में काफी टाइम लग गया ज्यादा। तो भैया गाड़ी कैसी लग रही है आपको? एक नंबर भैया। और जो जो काम थे भाई बता दूं, इन्होंने खुद हमारे साथ लगकर भी और खुद सारा सामान अरेंज करके भी कराए हैं। और कैसा भैया आपको रिस्पांस रहा आपका? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपोर्ट। तो भाई अब भैया को एक बार नोएडा छोड़ के आना हमने, और यही सीन था। गाड़ी आप कमेंट डाउन कर देना, बता देना कैसी लगी, और इसके थोड़े से सिनेमेटिक्स ले लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये गाड़ी कैसी लगती है कंप्लीट हो जाने के बाद। अगर आपके पास भी है तो आप मेरे को businesswithdmechanic@gmail.com पे मेल कर सकते हो। गाड़ी की फोटोज भेजना, मैं आपको कोटेशन दूंगा, और इसमें कितने पैसे लगे, क्या क्या लगे, एक एक चीज, एक एक पैसे आपको एक एक प्राइसिंग के साथ आपको वीडियो के एंड में दिखने वाले हैं, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे कि भाई अगर आपको अपनी गाड़ी कन्वर्ट करानी है ऐसे, या इनमें से कुछ सामान हटवा के कन्वर्ट करानी है, तो आप कैसे और कितने की करवा सकते हैं। तो चलो ऐसी है का मजा आ गया जी। हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब बैठे हैं, हमारे मैकेनिक साहब बैठे हैं, और भाई डेंटर हमारे जा चुके हैं, तो यही कुछ सीन है। अब ये वाली गाड़ी कंप्लीट हुई है, तो भाई फाइनली हमने इसको कंप्लीट करना है। इसको भाई ये 2011-12 मॉडल है। भैया कौन सा मॉडल है? 12 मॉडल। तो भाई ये कुछ थोड़ा सा हमने सिस्टम वाला काम करा हुआ, क्योंकि भैया का थोड़ा सिस्टम है भैया सिस्टम वाले हैं। तो 12 मॉडल गाड़ी है ये वाली, कन्वर्ट करके अब चेक करनी है हमने, कल करनी है कंप्लीट, ठीक है। तो यही सीन है, अभी एक गाड़ी डिलीवर हो रही है, चलो चलते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भाई किसी को करानी हो तो मेल कर देना। लास्ट में आप देखने वाले हो थोड़े सिनेमैटिक्स, और उसके बाद आप देखोगे इसके प्राइसिंग कि कितने की कैसे कैसे पड़ी। अगर किसी को करानी हो तो भाई अपना मेल है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।